सब्सक्राइब करो आ चैनल ले। कहाँ करवानी है मेडिकल, फिर मेडिकल हो गया, प्रीमियम ले लिया और फिर वो लोग चले गए। तो मिस्टर रणछोड़, हाँ? अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सर, मीनाक्षी व्यास की डेथ कैसे हुई? क्या सर? क्यों, ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मीनाक्षी व्यास की डेथ? जी हाँ, मीनाक्षी व्यास की डेथ। क्या भरत पटेल ने आपको नहीं बताया? नहीं सर, मुझे कुछ मालूम नहीं सर, गले की कसम सर। इसमें कसमें बस में नहीं चलती मिस्टर रणछोड़। पंडित टी एन पंडित, लोग मुझे टर्मिनेटर पंडित कहते हैं, मतलब जो भी कहिएगा सोच समझ के कहिएगा, और हाँ सच सच भी कहिएगा, समझे? लेकिन सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये क्या बात हो गई मिस्टर रणछोड़, आपको तो पसीना आ रहा है, आपका गला सूख रहा है, तुम्हें इतने घबराए हुए क्यों? एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, पीछे पानी पीजिए, घबराते क्यों? मिस्टर रणछोड़, ये क्या, ये क्या हो रहा है? आप इतने घबराए हुए? रिलैक्स रिलैक्स, देखिए भाई, हमको जंगल के शेर पे तो है नहीं, आपको खा जाएंगे, रिलैक्स। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है सर। मिस्टर रणछोड़, इस मामले में कुछ बात ऐसी हुई है जो हमें डाउट करने पर मजबूर करती है। मीनाक्षी व्यास एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स थी, क्या आप जानते हैं वो क्लिनिक किसका था? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। वो क्लिनिक था अजय राठौड़ का, डॉक्टर अजय राठौड़। ये वही अजय राठौड़ है जो भरत पटेल के साथ स्कूल डेज में पढ़ा करता था। अब माना कि अपनी बीवी को दोस्त के क्लिनिक में नौकरी दिलवाना कोई बुरी बात नहीं है ना, पर यहां यहां बात कुछ और ही है। वो क्या सर? मिस्टर रणछोड़, क्या आप किसी ऐसे आरएमपी डॉक्टर को जानते हो जो खुद एक छोटा सा डॉक्टर है, छोटे से गांव में क्लिनिक चलाता है, फिर भी 2500 की नर्स को अफोर्ड करता है? क्या ये बात अजब होती है? नहीं सर। लिखा है, मिस्टर रणछोड़ आपने अपने एजेंट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट में यही लिखा है। लेकिन सर, हमने तो वही लिखा जो पार्टी ने लिखवाया। तो क्या ये मतलब होता है मोरल हैजर्ड रिपोर्ट का? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मालूम नहीं है? क्या इस तरह से चलाते हैं बिजनेस? मिस्टर रणछोड़, पंडित टी एन पंडित, टर्मिनेटर पंडित नाम है मेरा, समझे? लेकिन सर, सर मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि इसका इतना इंपोर्टेंस होगा। आगे सुनो, एक दिन क्लिनिक में मीनाक्षी व्यास को स्टमक में पेन शुरू, उसके लिए गांव से जीप मंगवाई जाती है, फिर उसे लेके भावनगर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में मीनाक्षी व्यास दम तोड़ देती है और बीच रास्ते में उसकी डेड बॉडी को वापस उसके गांव चंदरपुर लाया जाता है। अब मिस्टर रणछोड़, आप मुझे ये बताइए कि मीनाक्षी व्यास के अंतिम संस्कार कहां होने चाहिए? उसके ससुराल में सर। एग्जैक्टली, या फिर उसके मायके में, है ना? ये भी हो सकता है सर। किंतु ये तो नहीं हो सकता ना कि उसके अंतिम संस्कार उसी गांव में किए जाए जहां पे वो नौकरी करती थी सर। लेकिन लेकिन मिस्टर रणछोड़, इस केस में ऐसा ही हुआ है, मैं पूछता हूँ।
मालूम सर। 28 साल की नौजवान लड़की को अचानक ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो आधे घंटे में ही चल बसी? सर मुझे कुछ नहीं पता। 7 दिन, I'm giving you just 7 days. 7 दिन के अंदर अंदर मुझे आपका फुल एंड फाइनल आंसर चाहिए, समझा? हेड ऑफिस में ब्रांच मैनेजर को मैंने लेटर दे दिया है। सर मैं सच कहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पंडित, टी एंड पंडित, लोग मुझे टर्मिनेटर पंडित भी कहते हैं। धोखाधड़ी करने वाले को माफी? हरगिज नहीं। सर 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 मानता हूं सर कि मुझसे छोटी मोटी गलतियां तो हो सकती है, अगर कॉर्पोरेशन के साथ इस कदर धोखा मैं नहीं कर सकता। सर 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 देखिए सर, देखिए कितनी मेहनत और लगन से मैं कॉर्पोरेशन का काम कर रहा हूं। इस सीजन में 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने जा रहा हूं। एमडीआरटी का भी निर्धार है सर। सर मुझे मुझे मेरे काम का ये बदला मिला सर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? बक्स दिया जाए? देखिए मिस्टर रणछोड़, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छे मिलते हैं, मिलते हैं ना? चेयरमैन क्लब मेंबर बनाते हैं, मोमेंटोस देते हैं, बढ़िया कमीशन मिलता है, मिलता है कि नहीं? तो बस ठीक उसी तरह अगर आप बुरा काम करोगे तो नेचुरली रिवॉर्ड भी बुरा ही मिलेगा, है ना? मगर सर सर इस केस में मेरा फ्यूचर क्या सर? देखिए मिस्टर रणछोड़, आई एम सॉरी बट मैंने जो फैसला लिया है वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी विथ ऑल द रिन्यूअल्स, गुड बाय। सर 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 अरे भाई मेरी तो समझ में नहीं आता कि रणछोड़ जैसा रणछोड़ और ये, मगर रणछोड़ ने तो कमाल कर दिया। अरे वाकई ही कमाल कर दिया है। हाँ हेलो सर। रणछोड़ भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आइए सब लोग आ गए होंगे, चलते। हाँ सर आप लोग चलिए, हम आते हैं थोड़ा। ओके ओके नो। हाँ चलिए चलिए। पंडित साहब आ गए। अच्छा पंडित सर। पंडित एंड पंडित, लोग हमें टर्मिनेटर पंडित भी कहते हैं। क्या अभी सर आप और टर्मिनेटर? आइए आइए पंडित साहब। थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए अरुण भाई, मैं आपको खूब खूब बधाई हूँ। सुना है इस साल आपने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। जी सर। सर हाँ जी, वो क्लेम का क्या हुआ फिर? भैया दरअसल वो क्लेम था ही नहीं। मतलब ये कि पूरी भरत पटेल की साजिश जी, उसका और उसकी बीवी का डाइवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है और वो भाई ने क्लेम पाने के लिए अपनी बीवी को मुर्दा दिखा दिया। फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या है, हवालात में हवा खा रहे हैं आज। और सुनाइए सर, बैठिए ना। रणछोड़ लाल अब हम क्या सुनाए, अब आप एक काम कीजिए, आप ही हमें सुना दीजिए। अभी आप वो टीचने जाते हैं कि नहीं? क्या? अरे आपने कुछ वो उस दिन बताया था ना आपके ऑफिस में कुछ दोलका जाते हैं आखी आखी रात टीचने के लिए। आप ही क्या सर, अब तक वो याद रखे बैठे। सच बताऊं रणछोड़लाल, उस दिन आपने मुझे ये बात बताई ना तभी आपका वो भोलापन मेरे दिल को भा गया था। सच कहता हूँ
और तभी मैंने मनी मन में निश्चय कर लिया कि यह आदमी कुछ भी हो सकता है लेकिन क्रिमिनल नहीं हो सकता। सभी अभिकर्ताओं को मैं रणछोड़ रमनलाल पटेल नमस्कार करता हूं। MDRT और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, ये सभी अभिकर्ताओं का एक सपना होता है, एक सुहाना सपना। आज से एक साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं रणछोड़ ये कर सकता हूं। एक एक पॉलिसी के लिए तरसता था मैं, भीख मांगता था लेकिन कोई भी मुझे पॉलिसी नहीं देता था। अरे अरुण भाई को और LIC को गालियां भी देता था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी चिंगारी भड़की और वो ऐसी भड़की कि बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे पता चला मेरी वीकनेस के बारे में, मुझे पता चला मेरी स्ट्रेंथ के बारे में, मेरे सामने खड़ी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मैंने उनका यूज किया और एक नया मकाम बनाया, एक नई मंजिल बनाई, एक नई कहानी बनाई और एक नया आयाम बनाया। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे भैया और मेरी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है, और हाँ, मेरे विकास अधिकारी श्री अरुण भाई और BM श्री ने भी बहुत हेल्प की है मुझे, उनका भी मैं आभारी हूं। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर एक सफल आदमी की सफलता के पीछे एक औरत जरूर होती है। दोस्तों, मैं उस चेहरे को कैसे भूल सकता हूं जो मेरा इंस्पिरेशन बना, परिश्मा। और मनसुख लाल जी, अगर आपने मुझे चैलेंज नहीं किया होता तो यह पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपका भी आभारी हूं। जाने अनजाने में अगर कुछ बोल दिया हो, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। और हां दोस्तों, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं। दोस्तों, एक बात बताइए, आपने भी ये सपना देखा है ना? आप लोग भी MDRT बनना चाहते हैं ना? हाँ। तो आओ, हम सब साथ मिलकर कुछ कर दिखाएं।
एक नया आयाम बनाए।